डियर स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को ग्नेथल अपेंडेजेस एंड माउथ पार्ट्स इन इंसेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिफेलिक अपेंडेजेस इन द इंसेक्ट्स। फर्स्ट द प्री ओरल अपेंडेजेस एंड सेकेंड द पोस्ट ओरल ऑफ ग्नेथल अपेंडेजेस। इंसेक्ट्स में दो प्रकार के सिफेलिक अपेंडेजेस या शीर्षीय उपांग होते हैं। पहला प्री ओरल अपेंडेजेस। प्री ओरल, प्री का मतलब पहले, ओरल का मतलब माउथ या मुख, यानी कि माउथ से पहले के अपेंडेजेस जिनको प्री ओरल अपेंडेजेस कहते हैं। इनमें एक जोड़ी एंटीनी आते हैं, वन पेयर एंटीनी। एंटीनी के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सेकंड, दी पोस्ट ओरल और ग्नेथल अपेंडेजेस। पोस्ट का मतलब बाद में या पीछे, ओरल मतलब माउथ या मुख, मुख के पीछे के अपेंडेजेस उनको कहेंगे पोस्ट ओरल या ग्नेथल अपेंडेजेस। ग्नेथल का मतलब जा, यानी कि जबड़े, ऐसे अपेंडेजेस जो कि जबड़ों की भांति कार्य करते हैं। इन अपेंडेजेस में वन पेयर मैंडिबल्स, वन पेयर मैक्सिली, ए लेबियम एंड ए हाइपोफेरिंग्स आते हैं, यानी कि एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिली, एक लेबियम और एक हाइपोफेरिंग्स, ये सब मिलकर ग्नेथल अपेंडेजेस बनाते हैं। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स अंडर गो वेरिएबल मॉडिफिकेशंस एंड आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग। ये सभी संरचनाएं कई मॉडिफिकेशंस या कई तरह से रूपांतरित हो जाती हैं और अपनी फीडिंग के आधार पर, भोजन के मोड के आधार पर अडेप्टेड हो जाती हैं। माउथ पार्ट्स। देयर इज ए ग्रुप ऑफ अपेंडेजेस एसोसिएटेड विद द माउथ विच फॉर्म कलेक्टिवली ए फीडिंग एपरेटस ऑफ एन इंसेक्ट। माउथ से एसोसिएटेड या जुड़े रहने वाले उपांगों के समूह को जो कि कलेक्टिवली यानी कि एक साथ मिलकर एक फीडिंग एपरेटस बनाते हैं। द फीडिंग ऑर्गन्स कंस्टिट्यूटिंग द फीडिंग एपरेटस आर कॉमनली कॉल्ड द माउथ पार्ट्स। फीडिंग एपरेटस को बनाने वाले फीडिंग ऑर्गन्स को कॉमनली माउथ पार्ट्स कहा जाता है। दे इंक्लूड ए लेब्रम, ए पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ए पेयर ऑफ मैक्सिली, ए लेबियम एंड ए हाइपोफेरिंग्स। माउथ पार्ट्स में एक लेब्रम, एक जोड़ी मैंडिबल्स, एक जोड़ी मैक्सिली, एक लेबियम और एक हाइपोफेरिंग्स आते हैं। The mouth parts of insects are structures surrounding the mouth that are involved in the mechanism of feeding and processing and manipulating the food so that it can be ingested. मुख के surrounding या मुख के चारों ओर इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स वो संरचनाएं हैं जो कि फीडिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसके मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं या उसका काम करती हैं। इसके कारण से फूड इंजेस्ट करने के लायक हो जाता है या जिसको आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ये सारी संरचनाएं मिलकर
फूड को इस लायक बना देती हैं कि अब इंसेक्ट इस फूड को आसानी से अंतर्ग्रहित कर सके। ऑल्दो फंक्शनली इक्विवेलेंट टू द जॉज ऑफ वर्टिब्रेट्स, दे लाई आउटसाइड द माउथ, नॉट विद इन ए बक्कल कैविटी। इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स वर्टिब्रेट्स के जबड़ों के समान ही फंक्शनली इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि दोनों के कार्य समान हैं। वर्टिब्रेट्स के जॉज और इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स, ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये फंक्शनली इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इनकी स्थिति अलग है। दे लाई आउटसाइड द माउथ, इंसेक्ट में ये माउथ के बाहर होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में बक्कल कैविटी के अंदर। The ancestors of present day insects were probably worm-like arthropods with a simple mouth opening near the front of bilaterally symmetrical body. Present day insects, यानी कि वर्तमान में जो कीट हैं, उनके ancestors, उनके जो पूर्वज थे, वो संभवतः कृमि के समान arthropods थे, जिनमें उनके शरीर के आगे, जो उनका शरीर बायलेटरल सिमेट्रिकल शरीर के अग्रभाग में माउथ, एक सरल प्रकार का माउथ होता था। ओवर मैनी इयर्स ऑफ टाइम टिश्यूज एंड अपेंडेजेस नियर द माउथ ओपनिंग केम टू बी अडेप्टेड फॉर गैदरिंग एंड मैनिपुलेटिंग बिट्स ऑफ सॉलिड फूड। लेकिन समय के साथ साथ, यानी कि काफ़ी सालों बाद, धीरे धीरे माउथ के पास जो टिश्यूज़ और जो अपेंडेजेस थे, उनमें अडेप्टेशन होता चला गया। क्यों हुआ ये अडेप्टेशन? फूड के टुकड़ों को, सॉलिड फूड के टुकड़ों को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, पकड़ने के लिए, तथा उनको मैनिपुलेट करने के लिए इनमें, इनके अपेंडेजेस में या इनके मुख के चारों ओर के जो ऊतक थे, उनमें परिवर्तन आ गया, उनमें अडेप्टेशन हो गया और ये परिवर्तित हो गए। एज इंसेक्ट्स इवॉल्व्ड, दे बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंडेड इन रेंज एंड अडेप्टेड टू न्यू फूड रिसोर्सेस। जैसे जैसे इंसेक्ट्स इवॉल्व हुए, ये माउथ पार्ट्स अधिक जटिल होते चले गए, इनकी रेंज फैलती चली गई, एक्सपेंड होती चली गई, और ये नए फूड रिसोर्सेस के लिए अडेप्टेड होते चले गए। The structure and function of their mouth parts changed right along with their evolving diet and lifestyle. Insects के mouth parts की संरचना और उनके कार्य में जो परिवर्तन आया, वो उनके diet, उनके भोजन और उनके lifestyle पर, लाइफस्टाइल के कारण आया। यानी कि इंसेक्ट्स की, जैसे जैसे इंसेक्ट्स के भोजन की जो प्रकृति थी वो डिफरेंट हुई, और उनमें उनका जो लाइफस्टाइल था, उनके जो जीवन यापन का तरीका था, वो अलग हुआ, उसके कारण से इनके माउथ पार्ट्स की संरचना और उनके कार्य में भी परिवर्तन आया। This is an excellent example of adaptive radiation. तो mouth parts जो हैं, वो adaptive radiation का एक excellent example हैं, सर्वोत्तम उदाहरण हैं। Adaptive radiation क्या होता है? An evolutionary process in which two or more populations exposed to different selective pressures diverge from a common ancestor. एक कॉमन एंसेस्टर से
उत्पन्न होकर जब दो या अधिक पॉपुलेशंस डाइवर्ज हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, तो उस तरह के इवोल्यूशनरी प्रोसेस को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अडेप्टिव रेडिएशंस के बहुत अच्छे उदाहरण इंसेक्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेरिएबिलिटी इन लेग्स, विंग्स एंड एंटीनी। लेग्स में विभिन्नताएं, विंग्स में और एंटीनी में जो विभिन्नताएं मिलती हैं, ये सब अडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन कैन बी फाउंड जस्ट अबाउट एवरीवेयर इन द इंसेक्ट वर्ल्ड। थिंक अबाउट वेरिएबिलिटी इन लेग्स, विंग्स एंड एंटीनी फॉर एग्जांपल। माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स वेरी टू ए ग्रेट एक्सटेंट अमंग इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स। इंसेक्ट्स के माउथ पार्ट्स बहुत अधिक विभिन्नताएं दिखाते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये उनकी फीडिंग हैबिट्स पर निर्भर करते हैं। देयर आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट मैंडिबुलेट और सेकंड होस्टिलेट। मैंडिबुलेट ऐसे माउथ पार्ट्स जो कि सॉलिड फूड पर फीड करते हैं, सॉलिड फूड को ग्रहण करते हैं, वो माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट होते हैं। और होस्टिलेट फीडिंग मेनली ऑन लिक्विड फूड, वो माउथ पार्ट्स जो कि लिक्विड फूड को ग्रहण करते हैं, होस्टिलेट माउथ पार्ट्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स। इन ऑल प्रिमिटिव इंसेक्ट्स द माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग, च्यूइंग, पिंचिंग और क्रशिंग बिट्स ऑफ सॉलिड फूड। सभी प्रिमिटिव या प्राथमिक कीटों में, इंसेक्ट्स में, माउथ पार्ट्स ठोस भोजन के टुकड़ों को ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए, च्यूइंग चबाने के लिए, पिंचिंग कुतरने के लिए या काटने के लिए, और क्रशिंग क्रश करने के लिए, टुकड़ों में तोड़ने के लिए अडेप्टेड होते हैं। दीज आर नोन एज मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स बिकॉज दे फीचर प्रोमिनेंट च्यूइंग मैंडिबल्स। इनको मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमने माउथ पार्ट्स के जो के हम देखा था कि माउथ पार्ट्स कौन कौन से हैं, उनमें हमने देखा था एक जोड़ी मैंडिबल्स। मैंडिबल्स जो हैं वो भोजन को चबाने का काम करते हैं, इसीलिए मैंडिबल्स इस नाम से ही इस तरह के माउथ पार्ट्स का नाम रख दिया गया है मैंडिबुलेट। देयर आर फाइव बेसिक कंपोनेंट्स दैट फॉर्म दीज माउथ पार्ट्स। इन माउथ पार्ट्स को बनाने वाले पांच बेसिक कंपोनेंट्स हैं, पांच मुख्य भाग हैं। फर्स्ट लेब्रम, ए सिंपल प्लेट लाइक स्क्लेराइट दैट सर्व्स एज ए फ्रंट लिप टू हेल्प कंटेन द फूड। ये सरल प्लेट लाइक स्क्लेराइट है जो कि फ्रंट लिप की तरह कार्य करता है और भोजन को अंदर समेटने में या अंदर रखने में हेल्प करता है। सेकंड मैंडिबल्स, ए पेयर ऑफ जार्स फॉर क्रशिंग और ग्राइंडिंग द फूड। ये एक जोड़ी जार्स हैं या जबड़े हैं जो कि भोजन को क्रश या ग्राइंड करते हैं। दे ऑपरेट फ्रॉम साइड टू साइड, नॉट अप एंड डाउन। इन ये साइड टू साइड कार्य करते हैं, ऊपर नीचे नहीं करते।
थर्ड मैगजिली पेयर्ड अपेंडेजेस विद द फॉलोइंग पार्ट्स फर्स्ट कार्डो सेकेंड स्टाइप्स थर्ड गेलिया एंड लेसिनिया। मैगजिली ये पेयर्ड अपेंडेजेस हैं जिनमें निम्न पार्ट्स होते हैं। कार्डो ये बेसल स्क्लेराइट है जिसके द्वारा ये हेड कैप मैगजिली जो हैं वो हेड कैप्सूल से जुड़े रहते हैं। स्टाइप्स ये मीडियल स्क्लेराइट है या मध्य के स्क्लेराइट पार्ट है जो कि सेंसरी पाल्प को सपोर्ट करता है या सेंसरी पाल्प इसमें से निकला रहता है। तीसरा गेलिया और लेसिनिया ये डिस्टल स्क्लेराइट्स हैं यानी कि दूर के स्क्लेराइट्स हैं जो कि फॉर्क और स्पून की तरह काम करते हैं और फूड को मैनिपुलेट करते हैं। यानी कि जब जैसे जब हम भोजन लेते हैं तब हम अपने फॉर्क और स्पून का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कार्य फॉर्क और स्पून का है वही काम यहाँ पर गेलिया और लेसिनिया का है। फोर्थ हाइपोफेरिंग्स ए टंग लाइक प्रोसेस दैट हेल्प्स मिक्स फूड एंड सलाइवा। हाइपोफेरिंग्स एक टंग की तरह जीभ की तरह का प्रोसेस है जो कि फूड और सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लेबियम ए बैक लिप दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पेयर ऑफ अपेंडेजेस दैट फ्यूज्ड टुगेदर अलोंग द मिड लाइन। इट इज सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग पार्ट्स। ये भी एक जोड़ी अपेंडेजेस हैं जो कि निम्न पार्ट्स के बने होते हैं। ये इसको लेबियम को बैक लिप भी कहते हैं। यह है एक जोड़ी अपेंडेजेस से डिराइव्ड होते हैं यानी कि एक जोड़ी अपेंडेजेस से ये बनते हैं और वो दोनों अपेंडेजेस फिर मिड लाइन में संयुक्त हो जाते हैं। इसलिए संख्या में ये एक है लेकिन ओरिजिनली ये दो अपेंडेजेस थे। ये फॉलोइंग पार्ट्स से के बने होते हैं। पहला पोस्टमेंटम फ्यूज्ड बेसल स्क्लेराइट्स दैट आर्टिकुलेट विद द हेड। बेसल स्क्लेराइट है ये जो कि हेड से जुड़ने का काम करता है। सेकंड प्रीमेंटम डिस्टल स्क्लेराइट दैट सपोर्ट अनदर पेयर ऑफ सेंसरी पाल्प्स एंड डिवाइड एपिकली टू फॉर्म फोर लोब्स। द टू इनर मोस्ट लोब्स आर कॉल्ड ग्लॉसी एंड द टू आउटर मोस्ट लोब्स आर कॉल्ड पैराग्लॉसी। ये डिस्टल स्क्लेराइट है जो इसमें से सेंसरी पॉप्स निकलते हैं या उनको ये सपोर्ट करता है। एपिकली या शीर्ष रूप से ये चार लोब्स में डिवाइड होता है या चार लोब्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसमें से अंदर के दो लोब्स को ग्लॉसी और बाहर के दो लोब्स को पैराग्लॉसी कहते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट पार्ट्स के डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले लेब्रम, लेब्रम जो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके यहाँ पर मसल्स दिखाई दे रही हैं, एंटीरियर मसल्स और पोस्टीरियर मसल्स। लेब्रम को अपर लिप भी कहते हैं। फिर मैंडिबल जो कि जॉज की भांति काम कर रहा है, इसमें आप देखिए मोलर और इंसाइजर कस्प दिखाई दे रहे हैं यानी कि टीथ की तरह की ये संरचना है। मोलर टीथ और इंसाइजर टीथ की तरह जो कि भोजन को चबाने का काम करती हैं। इससे लगी हुई एडक्टर मसल्स और एबडक्टर मसल्स हैं जो कि इनके इसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। फिर मैगजिला का बेसल पार्ट कार्डो, मीडियल पार्ट स्ट्राइप्स,
स्ट्राइप से निकले हुए हमको पाल्प दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लेसिनिया और गेलिया जो कि फोर्क और स्पून की तरह काम करते हैं। फिर लेबियम, यहाँ पर ये दो अपेंडेजेस जो कि मिड लाइन में संयुक्त हो गए हैं, इसलिए दोनों तरफ हमें दो पाल्प दिखाई दे रहे हैं। बीच में यहाँ पर चार लोब्स हैं, ग्लोसा एंड पैराग्लोसा। तीन प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, सब मेंटम, मेंटम एंड प्री मेंटम। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स विद बेसिक मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स इंक्लूड ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेज एंड ग्राउंड बीटल्स। ऐसे इंसेक्ट्स जिनमें बेसिक मैंडिबुलेट टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेज और ग्राउंड बीटल्स। इसके अलावा कई होलो मेटाबोलस इंसेक्ट्स की इमेच्योर स्टेजेस में भी मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे बीटल लार्वी और लेपिडोप्टेरन कैटरपिलर्स। ऑसिलेट माउथ पार्ट्स, सम ऑफ टूडेज मोर एडवांस्ड इंसेक्ट्स हैव माउथ पार्ट्स दैट हैव बिकम अडेप्टेड फॉर इनजेस्टिंग लिक्विड फूड। आज के अधिक एडवांस्ड इंसेक्ट्स में ऐसे माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि लिक्विड फूड को इंजेस्ट करने के लिए अडेप्टेड हो गए हैं। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज होस्टिलेट माउथ पार्ट्स। इनको कलेक्टिवली होस्टिलेट माउथ पार्ट्स कहा जाता है। होस्टिलेट, ये शब्द लैटिन वर्ब होस्टर से बना है जिसका मतलब है ड्रॉ अप और सक, यानी कि सक करना या खींचना। दे फंक्शन इन वेरियस वेज, प्रॉबिंग, सिपिंग, स्पंजिंग और लैपिंग, पियर्सिंग और सकिंग एक्सेट्रा। ये विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। प्रॉबिंग या सिपिंग, सिप करने का, स्पंजिंग यानी कि सोखने का, पियर्सिंग यानी कि भेदने या सक करने का। बट regardless of how they work, they are still constructed from the same five building blocks found in mandibulate mouth parts. ये किस तरह से काम करते हैं, उसके regardless, मतलब उस पर निर्भर नहीं कर रहे, लेकिन वो उन्हीं पांच building blocks से बने हैं, यानी कि उन्हीं पांच बिल्डिंग पार्ट से बने हैं जो कि मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स में थे, जैसे कि लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, हाइपोफेरिंग्स एंड लेबियम। यानी कि उनके कार्य पर उनकी संरचना निर्भर नहीं करती, दो ये पार्ट्स, इनके भी पार्ट्स वही हैं जो कि मैंडिबुलेट माउथ पार्ट्स में थे। थ्रू नेचुरल सेलेक्शन एंड अडेप्टिव रेडिएशन दीज पार्ट्स हैव समटाइम्स अंडरगो रेडिकल चेंजेस इन शेप एंड फंक्शन, बट दे स्टिल ऑक्यूपाई सिमिलर पोजिशन रिलेटिव टू ईच अदर। नेचुरल सेलेक्शन और अडेप्टिव रेडिएशन के कारण इन पार्ट्स में इन हो सकता है उनकी शेप में और उनके फंक्शन में कुछ चेंजेस आ जाए, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो वही है। यानी कि लेब्रम इज़ ऑलवेज इन फ्रंट एंड द लेबियम इज़ ऑलवेज इन द बैक। यानी कि लेब्रम हमेशा आगे की तरफ ही रहता है और लेबियम हमेशा पीछे की तरफ।
एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स विद ऑसिलेट माउथ पार्ट्स इंक्लूड ट्यूबर्स, एफिड्स एंड देयर रिलेटिव्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, फ्लीज, मॉस्किटोज एंड मैनी अदर टाइप्स ऑफ फ्लाइज. हॉसिलेट माउथ पार्ट्स के में ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये किन इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं या कौन से इनके एग्जांपल्स हैं, उनमें ट्यूबर्स, एफिड्स और उनके रिलेटिव्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लीज, मॉस्किटोज और दूसरी तरह की फ्लाइज इसमें आती हैं. Hostilate माउथ पार्ट्स आर प्राइमरीली यूज फॉर सकिंग अप लिक्विड्स एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इंटू टू सब ग्रुप्स, दोज दैट पॉजेस स्टाइलेट्स एंड दोज दैट डू नॉट. Hostilate माउथ पार्ट्स मुख्य रूप से लिक्विड को सक करने का काम करते हैं और ये दो सब ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं. ऐसे माउथ पार्ट्स जिनमें स्टाइलेट्स होते हैं और ऐसे माउथ पार्ट्स जिनमें स्टाइलेट्स नहीं होते. स्टाइलेट्स क्या हैं? स्टाइलेट्स आर नीडल लाइक प्रोजेक्शंस यूज्ड टू पेनिट्रेट प्लांट एंड एनिमल टिश्यू. स्टाइलेट्स नीडल लाइक सुई की भांति प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि प्लांट तथा एनिमल टिश्यू को भेदने का काम करते हैं, पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट्स विद स्टाइलेट्स इंक्लूड हेमिप्टेरा, ट्रूबर्ग्स, डिप्टेरा फ्लाइज एंड साइफोनोप्टेरा फ्लीज. सम हॉस्टिलेट माउथ पार्ट्स लैक स्टाइलेट्स अनेबल टू पियर्स टिश्यूज. दीज इंसेक्ट्स मस्ट रैली ऑन ईजीली एसेसिबल फूड सोर्सेज सच एज नेक्टर एट द बेस ऑफ ए फ्लावर. कुछ हॉस्टिलेट माउथ पार्ट्स में स्टाइलेट्स नहीं होते इसलिए ये टिश्यूज को भेद नहीं सकते, पियर्स नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने फूड सोर्सेस को आसानी से एसेसिबल हो जाते हैं, उनको पहचान लेते हैं और जैसे कि फ्लावर के बेस पर नेक्टर को सेलेक्ट करना, उसको चूज करना, उसको ग्रैंड करना. वन एग्जांपल ऑफ नॉन स्टाइलेट माउथ पार्ट्स इज द लॉन्ग साइफोनिंग प्रोबोस्किस ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. जैसे कि नॉन स्टाइलेट माउथ पार्ट्स जो हैं वो बटरफ्लाइज और मॉथ्स में पाए जाते हैं, उनमें लंबे साइफोनिंग प्रोबोस्किस पाई जाती है, इनमें स्टाइलेट्स नहीं होते बल्कि प्रोबोस्किस होती है. ऑल्दो द मेथड ऑफ लिक्विड ट्रांसपोर्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द बटरफ्लाइज प्रोबोस्किस, द रेस्पिंग सकिंग रोस्ट्रम ऑफ सम फ्लाइज इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी हॉस्टिलेट विदाउट स्टाइलेट्स. बटरफ्लाइज के प्रोबोस्किस के अलावा कुछ फ्लाइज के में रोस्ट्रम संरचना पाई जाती है जो कि ये भी सक का काम कर रही है, सकिंग फंक्शन कर रही है और इनमें भी स्टाइलेट्स नहीं होते. तो आज मैंने आप लोगों को नेथल अपेंडेजेस और माउथ पार्ट्स के बारे में बताया. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को डिफरेंट माउथ पार्ट्स के बारे में बताऊंगी. थैंक यू.